दोस्तों एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि झाड़ू की महत्व क्या है और क्यों हमें करनी चाहिए झाड़ू की पूजा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों कार्तिक मास का हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा महत्व होता है। कार्तिक मास में ही हमारे अधिकतर व्रत और त्यौहार का आगमन होता है। इन्हीं सब त्यौहारों में हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है दिवाली। दिवाली का ये पावन पर्व धन की देवी माता लक्ष्मी से जुड़ा है। माता लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत ही पसंद आती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक मार्ग स्वच्छता भी है, इसीलिए लक्ष्मी पूजन करते समय झाड़ू की भी पूजा करना अत्यंत लाभ और कल्याणकारी होता है। इस कारणवश झाड़ू को लक्ष्मी पूजन का प्रतीक कहा जाता है। दोस्तों आपने माँ शीतला के भी हाथों में झाड़ू देखा ही होगा। हमारे धार्मिक ग्रंथों और कहानियों में ऐसा बताया जाता है कि जो व्यक्ति माता शीतला व माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहता है तो उसे अपनी पूजा में झाड़ू की भी पूजा करनी चाहिए। इससे दोनों देवियों का आशीष आप पर सदैव बना रहता है। परंतु अगर आप लक्ष्मी पूजन में झाड़ू की पूजा करते हैं तो आपको इसके कुछ नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो ये पूजा निष्फल हो जाती है। जैसा कि दिवाली में पूजन के समय लोग नए झाड़ू को रखते हैं, ऐसे ही गृह प्रवेश के साथ घर के चूल्हे और मटके के साथ झाड़ू के पूजन का विधान भी है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि झाड़ू के नियम कौन से हैं। दोस्तों नए झाड़ू की खरीदी करने के लिए अमावस्या, मंगलवार, शनिवार व रविवार ये दिन अत्यंत शुभ माने जाते हैं। कृष्ण पक्ष में झाड़ू की खरीदी करना भी बहुत ही मंगलमय मानी जाती है। दोस्तों कभी भी केवल एक झाड़ू ना लें, इसके बजाय झाड़ू को जोड़ी में ही लेना चाहिए। दोस्तों कभी भी एकादशी, मंगलवार और शनिवार के दिन पुराने झाड़ू को घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए व शनिवार को घर के पुराने झाड़ू को बदलना उत्तम माना जाता है। और यही झाड़ू को रखने के लिए घर में सबसे उचित स्थान उत्तर दिशा को ही माना जाता है। दोस्तों हमें अपने घर में दो बार झाड़ू लगाना चाहिए। घर के सब कामों में सुबह झाड़ू मारना ही सर्वप्रथम काम रहना चाहिए, उसके बाद ही अन्य काम को करना चाहिए। संध्या काल को 6 से 7 के बीच घर में दूसरी बार झाड़ू लग जाना चाहिए। लोगों की ऐसी मान्यता मानी जाती है कि माता लक्ष्मी का गृह प्रवेश करने का यही समय होता है। इसके अलावा हमें कभी भी झाड़ू को भोजन कक्ष व अपने बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। इससे हमारे जीवन में तनाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। वह हमें कभी भी दिया बाती के पहले, जैसे शाम के 7 और 8 के बीच घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। वह घर में यज्ञ या पाठ भजन करते समय भी कुछ कूड़े कचरे फैलते हैं तो उस समय भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। उस स्थानों को किसी और कपड़े से भी आप साफ कर सकते हैं। हमें अपने घर के झाड़ू को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। वह कई पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि टूटी फूटी झाड़ू घर में लगाने से घर में दरिद्रता का आगमन होता है। वह घर के झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। इसे कभी भी घर के मुख्य द्वार के पास नहीं रखना चाहिए और ना ही इसे खड़ी मुद्रा में रखना चाहिए। इससे हमारे घर में धन कभी स्थिर नहीं रहता व घर में कलेश होता है। झाड़ू पर हमें कभी भी गलती से भी पैर नहीं रखना चाहिए, जैसा कि उसमें माँ लक्ष्मी व माँ शीतला का वास होता है। इससे दोनों देवियों का उल्लंघन होता है। तो दोस्तों ये थी झाड़ू की पूजा से जुड़ी कुछ अहम बातें। तो दोस्तों अगर इन बातों में से कोई भी बात आपको पहले से पता थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।